another day, another show. But yes, this discussion would be very important, and this won't be another show in that way because बहुत सारी discussion आज होनी है. जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं उनको ये कहूँ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की बैकबोन का काम अंजाम दे रहे हैं तो बिल्कुल वो गलत नहीं होगा. बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर और मैं अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, फॉलिंग इन लव अगैन विद टेस्ट क्रिकेट. आज जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेली है, यू नेम इट, इंडिया एंड बांग्लादेश का जिस तरह हुआ मुकाबला, ढाई दिन वॉश आउट हो जाते हैं और उसके बाद भी एक टीम पुश करती है गोइंग फॉर रिजल्ट, और जिस तरह प्लान आउट करके टीम इंडिया ने जो है पुट फॉरवर्ड किया एक प्लान, गेम अवेयरनेस दिखाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पूरी टीम एक वन पेज पे थी, द काइंड ऑफ स्ट्राइक रेट दैट दे मेंटेन, 9 रन्स पर ओवर के जो है एक रन रेट को मेंटेन करते हुए जिस तरह दे प्लेड येस्टरडे और आज फिर जिस तरह किया, ये है एक कंप्लीट मैसेज गोइंग फॉरवर्ड. ऊपर से लेके नीचे तक सबके पास एक मैसेज था और उस मैसेज को पुट फॉरवर्ड करके दे वन दिस टेस्ट मैच, जो कि लग रहा था कि बिल्कुल ड्रॉ हो जाएगा और बारिश की नज़र हो जाएगा, एंड 7 विकेटों से इंडिया ने जीत हासिल. So, जब टेस्ट क्रिकेट बेहतर होने की बात होती है, टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सा डिटैचमेंट होती है लोगों की, इस तरह की परफॉर्मेंसेज आती हैं, टेस्ट क्रिकेट से फिर लोगों को मोहब्बत होना शुरू हो जाती है. आज जिस तरह क्राउड जमा था वो इसी वजह से, बिकॉज everyone could see that there is a result coming out of it. So yes, इस तरह की एक amazing test cricket की performances का सबको इंतज़ार रहता है. पाकिस्तान भी अब इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो मैदान में फिर से उतरेगा, एंड वील ऑल लुक फॉरवर्ड कि कितना हम एक टेम्पलेट आपके सामने आ जाती है, नॉट दैट कि कौन सी नेशन कर रही है, कहाँ क्रिकेट खेली जा रही है, बट उस टेम्पलेट को आप क्या अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस पर भी हम नज़र ज़रूर डालेंगे कि क्या पाकिस्तान टीम इस तरह अपने ऊपर उस टेम्पलेट को अप्लाई कर सकती है कि नहीं कर सकती. बट मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ फॉर्मर टेस्ट पाकिस्तान, मगर उसके साथ साथ इस वक्त ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू. और नदीम, बिल्कुल गलत नहीं होगा ये कहना दैट यू आर एक्चुअली द सप्लाई चेन मैनेजर ऑफ दिस कंप्लीट सेटअप ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान. बिल्कुल, पोजीशन तो यही है, बट फॉर लास्ट 6 to 8 months जब मैं दोबारा ज्वाइन किया तो ये मेरा, मैं आया था डायरेक्टर डोमेस्टिक वापस, और उसके बाद से फिर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस काफ़ी 4-5 महीने हो गए, बट अभी बहुत सारा काम, एक रीस्ट्रक्चरिंग बार बार हमें करनी पड़ती है. एक रीस्ट्रक्चरिंग की थी जब मैंने ज्वाइन किया था क्रिकेट अकेडमी, इसको हाई परफॉर्मेंस पर तब्दील करने की, और उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट्स और उसकी SOPs और जो प्रोसेस से बने थे, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा आपको पता है यहाँ पे बार बार तब्दीली आती है और सब कुछ चेंज हो जाता है. अब इंशाल्लाह दोबारा, आज भी सारी दिन मीटिंग्स होती रही हैं हमारी कि इसको रीस्ट्रक्चर दोबारा से करना है, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग है, और उसके साथ फिर जारी बात है प्रोसेस का. बिल्कुल, तो ये चीज़ें चल रही हैं. बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं. हम वही कहते हैं कि नहीं जी, जब तक कंटिन्यूटी नहीं आएगी तब तक चीज़ें नहीं तब्दील हो सकती. खैर, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से मैं आपसे बिल्कुल डिटेल में बात करूंगी, बट उससे पहले अभी कंक्लूड हुआ चैंपियंस कप, और चैंपियंस कप सबसे पहले तो नदीम आपकी जबानी, आई वॉन्ट टू लिसन, वॉट वॉज द मेन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू हैव दिस टूर्नामेंट? एक मैं तो इसको नाम देती हूँ एलीट डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, क्योंकि एक टूर्नामेंट तो हमारे होते हैं अलग, बट दिस वाज एन एलीट डोमेस्टिक टूर्नामेंट. क्या हासिल करना चाहता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चैंपियंस कप से? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली हुई है दोबारा से, तकरीबन 2 साल हो गए, और उसकी तब्दीली से जो है बहुत सारे रीजन्स वापस आ गए, एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और उसकी वजह से काफ़ी डाइल्यूट हो गया. जब इतनी सारी टीमें आ जाएं आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर, डेफिनेटली पार्टिसिपेशन बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को मिलनी चाहिए डोमेस्टिक में, पर एट द सेम टाइम क्वालिटी भी उसकी होनी चाहिए. तो ये बिटवीन जो डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल है, उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश की गई कि एटलीस्ट हम उसके ऊपर कुछ 5 टीमें बनाएं और उन प्लेयर्स के साथ बनाएं जिनकी 3 साल से परफॉर्मेंस है, 2 साल से परफॉर्मेंस है, और उसको एक मेंटोर के साथ रख कर, क्योंकि ये सारे फॉर्मर कैप्टेंस हैं जिनको मेंटोर्स रखा है, और ये उनको ग्रूम करें जो आजकल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से उनको डेवलप करें, ग्रूम करें, और इसीलिए उनके साथ साथ एक एक अकेडमी भी अटैच की गई है. तो ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की हद तक नहीं है,
हो गई है कि एक एकेडमी अटैच है अभी पांच टीम्स जी ऑलरेडी जैसे पैंथर्स के साथ फैसलाबाद है, ठीक है, पैंथर्स के साथ मुल्तान है, मारखोर के साथ फैसलाबाद है, स्टैलियन के साथ सियालकोट है, डॉल्फिन के साथ कराची है, और लायंस के साथ ये एनसीए के साथ वो काम। सो प्रॉपर एकेडमी सेटअप्स हैं उन्हें? जी जी बिल्कुल, सारी एकेडमीज हमारी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, दो तीन तो ऑपरेशनल है, दो अभी हमें हैंड ओवर हुई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और उसको हम ऑपरेशनल कर रहे हैं। ओके, सो मतलब बेसिकली चैंपियंस कप ने एक ट्रेनर का काम किया जी, एक ऐसे है ना देखें कि ये इन्होंने सब जो पाँच टीम है उन्होंने 35-35 प्लेयर जो है चूज कर लिए और अब वो उन 35 प्लेयर के साथ एक पूरी एक डेडिकेटेड उनकी टीम है, कोचिंग टीम प्लस उसके साथ उनका एक मेंटोर है और एक एकेडमी है जहाँ पे वो काम कर सकेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं तो हमने कहा कि अगर पूरे साल काम करेंगे तो इसे फुल 12 मंथ जो है उसका एक पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, अब वो अकेडमी में डिवेलप होंगे और मेंटोर के साथ काम करेंगे और फिर ये जो टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। सो अभी तो एक पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा एक प्लान है ना, एक पूरा लॉन्गर टर्म में आपने देखना है, बट अभी जो चैंपियंस कप हुआ कितना आपको लगता है कितना परसेंट हमने उस चीज़ को अचीव किया जो जहन में सोचा हुआ था? देखिए बात ये हो रही थी कि ये जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उनको लेंगे, बट जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट था कोई भी उससे सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल उसको आप सब लोगों ने बड़ा उसको सपोर्ट किया, बहुत अच्छी उसकी कवरेज हुई, बहुत ज़्यादा उसको एक्सपोजर हुआ प्लेयर्स को, क्राउड्स ने फैंस ने बहुत सपोर्ट किया, पिचेस भी बहुत अच्छी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि अक्सर आपने देखा मैचेस में 350 के करीब रन बन रहे थे, बट बहुत सारी चीज़ें जिस पे काम की ज़रूरत है वो सामने आई और यही मकसद होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का कि वहाँ से आपको आइडेंटिफाई करें कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और फिर उसको डिवेलप करें। तो ये पहला टूर्नामेंट था और पर्सनली मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से, टीमों की परफॉर्मेंस से, बहुत काम करने की ज़रूरत है जो कि सबके सामने है और अगर हम चाहें तो बोल सकते हैं कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा था। था बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े अच्छे मुकाबले भी हुए, बट बहुत काम की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली एक रियलिटी चेक होगा तो उसमें जी बिल्कुल, इसीलिए डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। कुछ प्रॉब्लम्स जो आप आइडेंटिफाई कर सके? स्पेशली देखिए अब प्लेयर्स की ये शिकायत थी जी मौसम गर्म है, ठीक है, अब बात यह है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट की सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, ये वो सबके सामने है, मैं अकेला तो उसमें नहीं इन्वॉल्व हूँ, सभी इन्वॉल्व हैं और सब स्टेक होल्डर हैं, आप भी हैं मैं भी हूँ और मैं काम करता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा जिम्मेदारी है मेरी, बट अगर हम लोग इस वक्त भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाएगी। तो प्लेयर्स को कम्फर्ट जोन से निकलना होगा, गर्मी में भी खेलना होगा, मुश्किल कंडीशन में भी खेलना होगा, टर्निंग पिच पर भी खेलना होगा, स्विमिंग पिच पर बिल्कुल। अगर आपने हमने मुकाबला तो ये तो हमारे आपस के मुकाबले हैं, अभी तो हमने अगर इंडिया से मुकाबला करना है, ऑस्ट्रेलिया से करना है या अपना इंग्लैंड से करना है, साउथ अफ्रीका से करना है, जाहिर बात है हमारा तो उनसे ही मुकाबला है, तो हमें ये आप अभी बात कर रही थी वो साफ डिफरेंस नज़र आता है, तो उसके लिए ट्रेन करना होगा। ट्रेन और कामयाबी जो हमेशा है वो कम्फर्ट जोन से बाहर होती है। तो ये कहना कि जी गर्मी है और गर्मी पे डिस्कशन भी बहुत हुआ मीडिया में भी हुआ, बट ये डिस्कशन नहीं हो रही, ये डिस्कशन नहीं है। देखिए जो कंट्रोलेबल जो है ना उसको कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स हम कहते हैं, ये तो आपको वेदर कहीं पे भी मिल सकता है, वेस्ट इंडीज़ आप जाएंगे सख्त गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सख्त गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि मैं बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच देखने गया बड़े शौक से, मुझसे मुश्किल से 5 ओवर तक जो है वहाँ अंदर वहाँ बैठा गया, फिर मैंने देखा कि कहीं साए में जगह मिल जाए, तो बहुत सख्त गर्मी होती है, तो वो तो आपने करनी है, ट्रेनिंग है। बिल्कुल, और कंफर्ट जोन से पाकिस्तान की क्रिकेट को और हम सबको बाहर निकलना होगा।